शर्मनाक हार के बाद उप कप्तान रोहित ने रख दी कोहली से अलग राय, इसे बताया हार का जिम्मेदार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, शुक्रवार को ओवल मैदान में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 6 विकेट से हराकर जीत अपने नाम की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की टीम ने 39.2 ओवर में 179 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 50 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्के की मदद से सबसे ज्यादा 54 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से ट्रेंट बोल्ट ने 6.2 ओवर में 33 रन देकर 4 विकेट चटकाए। जिमी निशम ने 3, वही टीम सऊदी ग्रैंड होम और फेग्यूसन ने 1-1 विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत खराब रही, जहां मैच के दूसरे ओवर में मनरो को बुमराह ने LBW आउट किया। गप्टल 22 रन बनाकर हार्दिक का शिकार बने। न्यूजीलैंड की ओर से विलियमसन ने 67 रन बनाए, जहां उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का जड़ा। न्यूजीलैंड से यह प्रैक्टिस मैच हारने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि हमें पता था कि दूसरी पारी में ये विकेट बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि दूसरी पारी में विकेट पर्याप्त नहीं था, लेकिन हमने अपने खेल से काफी अच्छा प्रयास किया, लेकिन ये काफी नहीं था, इस वजह से हम आज जीत नहीं पाए। वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम के उपकप्तान ने इस हार के बाद कोहली से अलग राय रखते हुए उन्होंने कहा कि यह पिच बल्लेबाजों के अनुकूल नहीं था, खासकर पहली पारी में पिच पर बहुत ही अधिक स्विंग था, इसलिए बल्लेबाजी करने में मुश्किल आई। हमें जल्दी ही वापसी करेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।